पहले तो नीलम जी और उनके भाई को सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, क्योंकि इनका बहुत सालों से सपना था ये, और वो सपना साकार करने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, तो उसके लिए वो एक, हर कोई अगर अपना एक सपना देखता है और वो साकार होता है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और उनका भी सपना साकार हो गया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। ऐसे हर किसी का सपना जो जो देख रहे हैं उनका भी साकार हो, ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा मैं। मैं कभी किधर जाता नहीं, सलून बिलून ओपनिंग के लिए बहुत मुश्किल से जाता हूँ मैं, है काफी, यानी कैसे है, वो उनका तो एक ब्रांड रहता है, जिनके पास जाता हूँ मैं उनका ब्रांड रहता है, ये कैसा है कि ये खुद के दम पे किसी ने किया है, ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड बनेगा ना, फिर जो सपना बनाता है ना खुद का, वो सपना साकार बड़ा करता है फिर। तो कुछ आपने भी तक कुछ ब्यूटी टिप्स या कुछ कभी कराया इनके पास, मेकअप या कुछ पर्सनल? अभी शुरुआत हो गई है ना, अभी आऊंगा कभी तो मैं। नीलम जी आप क्या इन सर के ऊपर आप ट्रीटमेंट करोगे, मतलब हेयर पे या फेस पे, आप क्या ऐसा स्पेशल आपके इधर ट्रीटमेंट है जो आप भाव के लिए चाहते हो, या फेस गुड लुक चाहते हो आप ऐसा ट्रीटमेंट? मैं तो इनको फेशियल लेना चाहूंगी, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा चमक जाएंगे। अभी दो करके आया हूँ मैं, उसमें से एक रिलीज हो गई, एक रिलीज होनी बाकी है, एक मराठी कर रहा हूँ, दो गाने कर रहा हूँ, आएंगे। नीलम जी कितनी खुशी है भाव आज आपके इधर आए, कैसे ही पूरी बात हुई कि भाव को आप बुलाने का सोचा आपने, कैसा ही हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो बात बता रहा हूँ मैं, उनकी उनको मत पूछो, उनको मैंने बोला था जिस दिन आपका सपना साकार होगा उस दिन रिबन काटने में आऊंगा। एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बोला था, तब मुझे पता नहीं था, बट ये आए मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। यस, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया, मैंने कभी नहीं सोचा था इनके पास इतना टाइम होगा। ठीक है, फ्रेंडशिप सब लोगों की होती है, सबके साथ होती है, लेकिन ये अपना वादा निभाएंगे, मतलब एक मेरे लिए ड्रीम था, जैसे सलून खुला है मैंने, ये ड्रीम था और पूरा हो गया, और ये आए वो भी मेरा हो गया है पूरा। आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी। हमें बहुत अच्छा लगा, हम उत्तराखंड से आगे यहाँ कर रहे हैं, पूरा सपना देखा फिर आज कर लिया, अब इसको आगे बढ़ाना है भाव, आगे तो और अच्छा लगा हमें। यस, बहुत 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 ज़्यादा इनका आना मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा थी। इनको सबको मालूम है भाऊ जिससे रिश्ता बनाता है वो जिंदगी भर निभाता है भी। जी जी जी, फिर बहुत छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो, रिश्ता निभाना आता है मेरे को, कैसा निभाते। नीलम जी, जैसे भाऊ ने बोला कि ये ब्रांड बनेगा, तो क्या लगता है आपको? इन्होंने बोल दिया मतलब बन गया, बस इनके बोलने पे ही बन गया, मुझे नहीं पता मैं बना पाऊंगी नहीं पाऊंगी, लेकिन इनने बोल दिया अब तो ये बन गया है। और एनके का मेरा था, मेरा जैसे मेरा नाम नीलम कौर है, मैं चाहती थी एनके का एक ब्रांड बने, और इसी को मैं आगे 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 मेरी हर ब्रांच पे रिबन यही काटेंगे। मुंबई के हर कोने पे ब्रांच है और रिबन आप ही काटो। जरूर जरूर। यस, अभी उनको जो पसंद है वो पहनो, जो पसंद है वो करो, क्योंकि ये नया अभी हिंदुस्तान है ना, वो बच्चों का आज आज जो बच्चे है ना उनका नॉलेज भी वन साइड है, हमारे वक्त ये सोच भी नहीं सकते थे पार्लर में जाओ ये करो वो करो, आज बच्चे, आज मेरा बच्चा बड़े बड़े सलून में जाके हेयर कट, तब हम लोग को तो घर वाले वो माधव करके एक था, माधव करके वो आता था घर के बाहर, वो ऐसा शीशा पकड़वा के बिठा देता और टपली देके काट देते थे बाल, तब का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, आज की जनरेशन का टाइम अलग है, तो आगे बढ़ना चाहिए ना। संजय दत्त का जिस हिसाब से जो लुक है KGF मूवी 2 में, पर आप क्या कहना चाहो, मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपको पता है जो सोचते ना कि ये कुछ नहीं कर सकता है, वही बहुत कुछ करके चला जाता है, जैसे कि यश और संजू बाबा, ये दोनों को बहुत बधाई दूंगा, फाड़ दिया बॉलीवुड की। आपको किसका सबसे अच्छा एक्टिंग लगा, संजय दत्त जी का जो विलन का रोल था कैसा लगा? संजय दत्त तो मेरा जिंदगी भर फेवरेट ही है, और उससे ज्यादा अभी ये यश ने भी फाड़ दिया। ये जितने भी साउथ के है ना वो वन साइड ही है, जिन्होंने बॉलीवुड का बजा के रखा है। ऐसा है वाओ, आपको कभी अगर साउथ से अगर आपको कॉल आए, 1001 टक्का करेगा, 1001 टक्का करेगा।
ऐसे क्या एक स्पेशलिटी है जो आप साउथ का जो प्रोडक्शन है जो बॉलीवुड और उल्लू का मतलब डिफरेंशिएट होता है, ऐसा स्टोरी लाइन क्या है सर? उल्लू जो मूवी बनाता है ना उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ किया, इन लोग साला वही सड़ा हुआ वही वही इधर का कॉपी उधर का कॉपी इधर चाय वही चालू रहता है, खुद का थोड़ी कुछ बनाते हैं लोग। ज्यादातर मूवीज जो बॉलीवुड में भी सुपर हिट है वो साउथ की डबिंग वाली सब वही करके इधर करते हैं ना, बाकी कौन पूछता है इन लोग को, चलता है कुछ नया पूछो। क्या आदित्य मेरा बेटा है, मेरा सही नाम है विकास फाटक, समझे आप मेरी, ये आज ने आप मेरे को कम से कम 50 बार आप इंटरव्यू पूछा। अच्छा ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, विलन ज्यादा अच्छे लगेंगे। अभी भी दो मूवी किया उसमें विलन ही है। कौन सी है मतलब, हिंदी है मराठी है? हिंदी है जी। सबसे पहले तो नीलम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जितनी खुद खूबसूरत है मुझे लगता है इन्होंने सोचा कि लोगों को भी उतना ही खूबसूरत बनाया जाए। और मेरी गुड विशेज है एन के सैलून जो इन्होंने आज इसकी ओपनिंग है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खूब चले और लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और खूबसूरती खूबसूरत हो के जाएँ। वरना ये लोग तो बड़े बड़े इवेंट में जाते हैं सब चीज़ सैलून के मामले में, मुझे बताना तो सब बताएंगे सैलून के लिए टाइम है या नहीं है। बात सैलून के लिए बात दोस्ती की है और नीलम की खुद की बात है, बहुत अच्छी दोस्त हैं और जब से मुझे लगता है बॉम्बे में हैं तब से हमारी दोस्ती है और ये इसकी मेहनत है उसका फल है आज इतना अच्छा जो सैलून ने ओपन किया, मेरी तो हमेशा से दुआ रही, बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है, जो भी करती है अपने दम पे।